राकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पहली बार पूछताछ की। उनसे 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए गए। इसमें सुकेश से आपने गिफ्ट कब लिए, आप उनसे कहां मिली जैसे सवाल थे। सूत्रों के मुताबिक पूरी पूछताछ में नोरा ने सहयोग किया। इस केस में ईडी एक्ट्रेस से 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नोरा ने कहा कि मैं सुकेश की पत्नी से नल आर्ट फंक्शन में मिली थी, यही उन्होंने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी। मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसके साथ ही नोरा ने कहा कि मेरा जैकलीन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी, आपको बता दें इस मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी जांच कर रही है। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई थी। इस दौरान नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूल की। सुकेश की पत्नी लीना पॉल के चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले में नोरा फतेही को एक BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। नोरा का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन 50 और 50(3) के तहत नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था। दिल्ली पुलिस नोरा के बाद जैकलीन से 12 सितंबर को पूछताछ करेगी। वहीं ईडी ने 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल इस मामले में बुधवार को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जैकलीन से पूछताछ के आदेश दिए थे। सुकेश खुद को भी PM ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताते हैं। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला सीज कर लिया है। बंगले से 82.5 लाख रुपए मिले। 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।